नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर ब्लाउज़ का गला जो है वो काफ़ी डीप हो तो उसे किस तरह से छोटा करना चाहिए। तो ये एक ब्लाउज़ है और इसका गला जो है, नेक जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ही डीप है, तो इसे किस तरह से हम छोटा करेंगे इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है और ये यहाँ पर दोनों साइड में इस तरह से कट करके रख दिया है, और इसकी जो नेक की लेंथ है वो 8 इंच है, और ये दो कपड़े का पीस कट किया है, एक मेन फैब्रिक रहेगा और एक अस्तर का। तो ये नेक जो है ये 8 इंच आ रहा है, 8 इंच तक चाहिए, और ये पेपर पेस्टिंग है और ये दो अस्तर कट किया है, ये नीचे की तरफ रहेगा, और फिर उसी जो जिस कलर का ब्लाउज है उससे मैच करता हुआ आप फैब्रिक ले लेंगे। तो ये मैंने ये फैब्रिक ले लिया है उसी ब्लाउज से मैच करता हुआ, और इसको इस तरह से रख के सिल देना है। तो नीचे पेपर पेस्टिंग रखा है मैंने, वो फिर मेन फैब्रिक, और फिर ऊपर से ये अस्तर का कपड़ा रखा है, और इसको जो है ये सिलना है। तो यहाँ से पेपर पेस्टिंग से 1/2 इंच जो है ये कपड़ा अधिक रखा है, अधिक कटिंग किया है, और ये पेपर पेस्टिंग को पकड़ते हुए थोड़ा सा, और फिर यहाँ से एक सिलाई लगा लिया है, और अब इसे सीधा कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा में थोड़ा सा फैब्रिक है उसे कट कर लिया, और अब इसे पलट लिया, और सीधा करने के बाद फिर इस पर हल्का सा प्रेस कर ले रहे हैं नाखून से, और उसके बाद जो है ये साइड साइड में सिल लेते हैं, सिल लेंगे और दोनों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे दोनों साइड के। तो दोनों साइड के तैयार कर लिए हैं, और अब यहाँ से ऊपर से 4 इंच माप कर यहाँ दोनों साइड में 4 इंच माप लिया है, इधर से भी 4 इंच, और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ये नेक आप देख रहे हैं काफ़ी ही ज़्यादा ही डीप है, तो इस तरह से करने से नेक जो है आपका छोटा भी हो जाएगा और इस पर एक अलग सी डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं ये पिन से इसे सिक्योर कर ले रही हूँ, तो इधर सब तरफ पिन लगा ले रही हूँ, उसके बाद जो है इस पर स्टिच करूँगी। और इस पर स्टिच जो है ये बहुत ही मुश्किल से हुआ था, क्योंकि सब इस पर जो है काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, सॉरी इस पर जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा, जो स्टोन है इस पर मशीन जो है वो चल नहीं रही थी, तो इस पर धीरे धीरे ये मशीन चलाया है ऊपर से। तो इस पर इस तरह से जिस शेप में है नेक इसका, उसी शेप में ये सिलाई लगा लेंगे, और उस साइड भी दूसरे साइड भी ऐसे ही कर लेना है। तो ये एक तरफ का तैयार हो गया, और इधर में भी इसी तरह से कर लेंगे। पहले यहाँ जो 4 इंच था उसे माप कर रख लिया, और उसके बाद जो है ये पिन लगा दिया। पिन लगाने के बाद फिर सिलाई लगा लेंगे इस पर भी इसी तरह, तो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे, और ये कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा में ही रखा है, फिर इसे बाद में यहाँ से जो है ये कट कर ले रहे हैं, और इधर की तरफ जो है ये आई बनेगी, तो यहाँ पे वर्क नहीं है तो यहाँ पर आई बना देंगे, और उस दूसरे साइड जो है वो हुक लगा देंगे। तो ये इधर में ये कपड़ा कट किया, और फिर इसे उल्टे तरफ से रखते हुए तो सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे, और 1/2 इंच जो है ये कपड़ा एक्स्ट्रा में रखा है ऊपर और नीचे की तरफ, और ये उल्टे तरफ से सिलाई लगा रहे हैं, और ये जो फैब्रिक कट किया है कपड़ा उस वो 2.5 से 3 इंच के करीब रहेगा। अब ये जो 1/2 इंच अधिक निकला हुआ था उसे भी ऐसे फोल्ड करते हुए सिल लेंगे ऊपर और नीचे की तरफ, तो इधर से भी सिल लिया, और फिर इसे 1 इंच के करीब जो है कपड़ा बाहर की तरफ रहेगा, और फिर इस पर भी ऐसे करके एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ भी एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं, तो ये एक तरफ का जो है आई वाला हिस्सा जो है बनकर रेडी है,
और अब दूसरे साइड का जो हुक वाला हिस्सा है तो इसे भी एक्स्ट्रा में ही कट किया था, इसमें कोई भी अलग से कपड़ा नहीं जोड़ेंगे, जो था उसी को फोल्ड कर दिया है। तो पहले इसे एक बार अंदर की तरफ थोड़ा सा ये ऐसे पकड़ के एक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद फोल्ड करने के बाद जो है इसमें हेमिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ऐसे करके इस साइड जो है ये तुरपाई कर लेंगे, फिर इस पे हुक एन आई लगा लेना है। तो ये नेक जो है देखिए रेडी है, और इस पे मैं जो बाजू निकाली थी बाजू इसमें से ये निकाल लेना है, और उसमें से जो लेस बची थी वो लेस मैं इसमें लगा दी थी बाद में, और इसका बाजू भी निकालना है। और ये दूसरा मैं बाजू नेट का ये इसमें अटैच कर रही हूँ, तो बाजू की जो चौड़ाई है वो 9 इंच दोनों साइड से माप कर और सीधे में करके ये इसे कट कर लेंगे इसकी चौड़ाई। और ये नीचे की तरफ जो है ये फ्रिल के लिए हो जाएगा, कपड़े को 4 फोल्ड में किया है और ये फ्रिल के लिए हो गया, और ये भी कपड़ा जो है 4 फोल्ड में है, इधर से 9 इंच है और इधर से कपड़े बाजू की लंबाई 11 इंच लेंगे, और तैयार जो है वो 10 इंच आएगा इस साइड से 3.5। और ये शेप लगा लिया कर्व में, और यहाँ से 7 इंच लिया है गोलाई इसकी, और तैयार जो है ये 5.5 आएगा, और ये शेप लगा लेंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो और जो नीचे ही वो कट किया था उसे फ्रिल की तरह उसे अटैच कर लेंगे, तो ये बेल स्लीव में बेल स्लीव हो जाएगी इसकी। तो ये इस तरह ये कट हो गया बाजू, और अब जो ये हिस्सा था इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बना लेंगे। तो ये इसका ये इस ब्लाउज का जो है बिल्कुल ही नया लुक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एकदम। तो अब यहाँ पर इसे ऊपर वाले हिस्से के साथ फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। तो ये सीधा सीधा एक तरफ रखते हुए और अब यहाँ से शुरुआत करेंगे और छोटे छोटे प्लीट्स इसमें बनाते जाएंगे। तो इस तरह से प्लीट्स इसमें दोनों बाजू में ऐसे ही सेम कर लेना है। इसके पहले भी मैंने बेल स्लीव डिज़ाइन का वीडियो शेयर किया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो उसे मैंने अम्ब्रेला में कट किया था बेल स्लीव को, लेकिन इसे मैंने अम्ब्रेला में नहीं कट किया, इसे इसमें प्लीट्स बनाकर इसे बनाया है बेल स्लीव को। तो दोनों बाजू को ऐसे ही रेडी कर लेना है, और ये एक तैयार हो गया। और इसे जो है ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो इसे सीधे की तरफ से ही रख कर सिल लिया था ब्लाउज में, और ब्लाउज का लुक जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो इधर से इसको ऐसे रख के सिल लिया और फिर साइड की सिलाई लगा ली। तो ये बनने के बाद जो है वो कुछ इस तरह से आया है। उसका जो बाजू था पहले वाला उसमें से लेस निकाल कर इस पर लगा दिया, और बाजू भी ये रेडी हो गया है। तो आप भी वीडियो देख के कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं, अगर नेक डीप हो तो उसे किस तरह से छोटा करना है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।